नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में ना आप लोगों को ना जैसे एयर प्रेशर, हम जैसे टायर होगा एयर प्रेशर मेंटेन करवाते हैं तो उसमें ना आजकल एक समस्या आती है। जैसे गेज पुराने हैं उनमें जब एयर हम डलवाते हैं तो गेज दिखाता माना 40 पाउंड है लेकिन एक्चुअल में हवा हो जाए 50-55 पाउंड। तो आज इस वीडियो में ना उस गेज को कैलिब्रेशन कैसे करना, आप घर पर आराम से कैलिब्रेट कर सकते हो, वो भी दिखाऊंगे। और सागर भाई के साथ एक दिक्कत और आई थी भाई, उस गेज के कारण क्या दिक्कत आई वो भी बात डिस्कस करेंगे। तो चलो एक बार बताते हैं भाई जी। नमस्ते। नमस्कार दीपक। सागर एक चीज़ बता भाई, के दिक्कत आई थी और के कैलिब्रेशन क्यों करेंगे वो बताओ। है ना प्रदीप, जैसे यह कि 2-3 साल पुरानी है तो जैसे यह बाइक के लिए थी स्पेशल, बाइक में प्रेशर मेंटेन करने के लिए मैनुअल के साथ है। ठीक तो इसमें क्या था, जैसे बाइक बताओ 33-34 पाउंड है, मैंने उतनी यूनिट कर दी 33-34 PSI, लेकिन क्या था एक्चुअल में हवा थी वह 40+ है। उस चक्कर में जैसे चलते चलते जो रियर लाइट हो ना लाल रंग की वो टूट कर गिर, टेल लाइट वो टूट कर गिर गई क्योंकि टायर प्रेशर था ज्यादा और वो धीरे धीरे क्रैक होगी उसकी वाइब्रेशन के कारण। ठीक वो जैसे देखा भी उसका रीजन, वो 300 रुपए लाइट दोबारा डाली, फिर एक नजर उस पर टायर पर पड़ी तो फिर देखा कि ये यार कुछ भी हुआ लगाते, मतलब वो टूल मारते उसको पता लग गया था ये 35 तो ज्यादा हवा। तो फिर जैसे दूसरी गेज लगा के देखी उसमें फर्क मिल गया। अच्छा हाँ। तो फिर इस गेज का सोल्यूशन क्या है फिर इस चीज़ में, जैसे बहुत सारे जैसे मान लगा चलो जमींदार भाई भी हैं फिर कोई भी बंदा है आजकल जैसे अपने गांव में जहाँ दुकान पर उनके पास पुराने गेज मिले हैं तो इसका मतलब वो भी गड़बड़ करेंगे। देखो गड़बड़ पता है क्या, 2-3 साल में तो गेज की कैलिब्रेशन पूरी आउट हो जाए हैं। या तो ना आप सबसे बेस्ट ये है कि इनकी लैब है स्पेशल है, उस लैब में भेज दो कैलिब्रेशन के लिए। जैसे गेज का हो गया, इसका टोर क्रेंच का हो गया अपना, और दूसरे जो इस टाइप के इक्विपमेंट है वर्नियर कैलिपर वगैरह इनका, या फिर एक देसी मेरा खुद का ट्रायल टेस्टेड वो है मेथड, आप इसमें यूज कर लो। अच्छा हाँ ठीक। तो बता क्योंकि इस तरीके से कैलिब्रेशन करना, पहले ये बता कौन गेज को। पहले इस गेज का दिखाना पड़ता है, चलो कैमरा बंद हो गया था, बता भाई सागर। या निकाल दी प्रदीप साइड में रख, या है ना जैसे मिडिल क्वालिटी गेज है, फॉर्मेट सारे का एक सा है, बॉडी वगैरह या ऊपर वाली रबड़ बॉडी है, या निकालनी बाबू ने सबसे पहले इसकी। अच्छा, इसके लिए एक बार स्क्रू ड्राइवर से निकाल कर दिखा देंगे जो ऊपर रबड़ बॉडी, या निकाल लो। हाँ भाई फोर्सफुली तो ज्यादा मान ना करो ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे। वैसे पहले ना ये वाली यूज करनी थी, इसमें लगेगी 14 नंबर की चाबी और इसमें लगेगी यहाँ पर 13 की, 13 और 14 नंबर की चाबी थे, लॉक खोल लेनी चाहिए। हाँ। एक बार इसने निकाले ले, इसने पूरे निकल जाएगा जो ना ऊपर तो निकलेगा, ये अलग होगी। अच्छा, ये जो मेन है ये वहाँ तक यहाँ तक खोल ली। हाँ, यार बढ़ गया, यह भी अलग होगी। ठीक है, उसके बाद है ना इसके पीछे दो नट मिलेंगे प्रदीप। हाँ, ये दो नट रहे, ये है प्लस वाले, इन्हें लूज कर लो खोल लो मतलब पूरे है। हाँ पूरे, अरे वाह मैग्नेट बन रही है इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली, या फिर नट की क्वालिटी बढ़िया होगी। उसके बाद है ना पेचकस ने माइनस साइड तक करके धीरे धीरे इसने निकाल दिया, जैसे निकलेगा धीरे जैसे ना जिनकी क्वालिटी ठीक हो उसमें तो वैसे भी निकल गया है। अच्छा, ये ऊपर का कवर उतर गया और गिलास उतर गया, ये उतर गया प्रदीप, अभी पूरा निकल गया यात्री गेज आएगी। इसका मैकेनिज्म बता दूं, यह है इसमें कॉपर पाइप है, जब इसके अंदर आवाज आओगी ना तो यह कॉपर पाइप सीधी होने की कोशिश करेगी, मेन मैकेनिज्म ये, और जब यह सीधी होगी ना तो देख सुई उठेगी। अच्छा उठी, देखिए मैं इसने पीछे तो अड़की खींचूंगा, देख सुई उठी ना। हाँ। तो इसमें कैलिब्रेशन का मेन फीचर पता है क्या है, जो ये नीडल है ना या इस कांटे को ऊपर नहीं टिकी रहनी चाहिए, मतलब ज्यादा फोर्सफुली नहीं चल जानी चाहिए, या बस इसका ना अड़की सी टच होनी चाहिए। ठीक अड़की सी टच करनी तो आपने ये वाली जो पाइप है ना ये आप प्लास वगैरह ले लो या कुछ और ले लो, उसकी मदद इस पाइप ना अड़की सी बीच से अड़के अड़के ऐसे चौड़ी कर लो। जब चौड़ी करोगे ना तो ये सुई दे धीरे धीरे ऐसे उठेगी, आपने उस पॉइंट पर लाकर छोड़नी है जहाँ पे नीडल बस अड़की टच टच हो इस पर। अगर नीडल बैक में ज्यादा प्रेशर मारेगी ना तो प्रेशर होगा 40-50 और यह दिखाओगी अपना 35 दिखाओगे। हाँ ठीक है, ये देसी तरीका सब, ये गेज लो क्वालिटी की नहीं तो कुछ एक मैंने यहाँ पे बीच में स्प्रिंग दे दी है, मेन ये है देख
मेन वो है वो पाइप लोको पर वाली पाइप जितनी उसमें हवा भरेगी हाँ। वो अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेगी हाँ। और सीधी वो हो नहीं पाओगी हाँ, सीधी होगी तो नीडल खींचेगी हाँ। तो ऑटोमेटिक बेसिक बिल्कुल एकदम सिंपल सा प्रिंसिपल, लेकिन बनाने वाले ने तो खैर बहुत दिमाग लगाया भाई। कैलिब्रेशन का पॉइंट कैलिब्रेशन एक पॉइंट पता नहीं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पाइप ने सीधी करने की कोशिश करो। ये अब अपना देसी तरीका सिंपल घर पर करना चाहो ठीक ठीक, और अगर भाई प्रोफेशनल में जाना तो फिर लैब में भेज दे। देखो लैब तो सबसे बेस्ट है ही है हाँ। अगर माने चलो भाई जैसे जो इस पर नीडल रखी जा रही है हाँ। इस पर बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल फोर्स बिल्कुल हल्की सी वो हाँ। आप महसूस कर लोगे उस चीज में। जैसे ये हो गया प्रदीप, उसके बाद नीचे वाली बॉडी डाल गई इसमें यूं की हाँ हाँ हाँ। एक अच्छी गेज ले लो जो एक्यूरेट प्रेशर दे, वह नहीं हो कैलिब्रेटेड हो उस तक प्रेशर चेक करो, फिर इस तक प्रेशर चेक करो। इस तक चेक कर अपने पास वैसे मैकेनिकल वाली है ये देखते कौन सी बढ़िया रहेगी, अभी पता लग जाए इस गेज का ही पता लग जाए वैसे कितना की डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि तो बिल्कुल लेकिन सिंपल इसमें हवा आई तो पीछे इसे नीडल को धक्का दे देगी बाहर की तरफ हाँ। इसमें और कुछ है ही नहीं इसमें कर देख बारिश तुम बस लगा तेरे वाली चेक कर ले पहले इसमें भाई भाई अपने वाली 30, 31, 32, 33, 34, 35 के करीब है। दिखाइए तू ये देख प्रति दिन 35 के करीब तेरी है भाई हाँ। तो ये है ना एक देसी तरीके से 1-2 PSI का फर्क पड़ सका इसमें आसपास पूछा पकड़ना जो एक्यूरेसी है तो लैब में भेज दे फिर। देखो 1-2 का तो चल जाएगा हाँ। लेकिन 5-7 का नहीं चलेगा हाँ। 1-2 के में तो चलो ठीक है एडजस्ट कर लेगा आदमी हाँ। पर 5-7 का नहीं चलेगा हाँ। मेन बात यह है सबसे बड़ी बात तो यही है हाँ। ये अपने सब बेसिक सा मैकेनिज्म और घर पर करना चाहो तो कर लियो, और ये कैलिब्रेशन कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे दुकानदार वजह से अपने दुकान पर काम करें ना बल्कि ना हफ्ते में एक बार जरूर कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। कर लियो देखो अभी अपना खुद का ट्रायल टेस्टेड तरीका जिसने ठीक लगा वो इस्ते कर लेना, तो फिर अपना लैब में तो देखो बेस्ट तो है लैब हाँ। और अपना घर पर करना चाहो तो अपना लैब प्रो मिली नहीं तो उस चक्कर में फिर घर पर करनी पड़ी है। चलो कोई नहीं वो एक अच्छी बात है, सिचुएशन के हिसाब से आदमी ने अपने आप को ढाल लेना चाहिए। चलो भाई यही चीज़ दिखाना चाह रहे थे आप, जैसे भाई एयर प्रेशर, इससे एयर प्रेशर वाकई में जैसे टायर के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करा है हाँ। टायर के घिसाई के ऊपर फ़र्क आ जाएगा हाँ। इंजन की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ जाएगा, पूरी गाड़ी जो मतलब कोई भी व्हीकल है उसकी खुद की बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ जाएगा। ज़्यादा एयर प्रेशर करने से जैसे कार है तो सोकर में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी हाँ। आवाज़ ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देगी, ट्रैक्टर ज़्यादा जंप करनी स्टार्ट कर देगा हाँ। टायर के जो घिसाई का है वो पार्ट का डिफरेंस हो जाएगा हाँ। साइड वॉल में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो, दरारें जल्दी पड़ेंगी। ये छोटी छोटे 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 पॉइंट अगर हम नेगेटिव पॉइंट गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कंपनी रिकमेंडेड कर रहा है वो एयर प्रेशर हमें मेंटेन करना है उससे ना, जो जो टायर डिजाइन कर रहा है उसी एयर प्रेशर पर डिजाइन कर रखा है टायर। तो यही चीज़ चलो भाई सागर।